हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में जब तक रहे भगवत कृपा से, तो प्रायः उनके अधरामृत प्रसाद को नित्य लेना, उनकी जूठन नित्य लेना हम अनुभव करते हैं। जो कुछ जीवन में यत्किंचित कोई गुण है, कोई विशेषता है, यदि आपको दिख रही है तो वह हमारी नहीं है, ये समर्थ सद्गुरु भगवान के चरण जल का, उनकी चरण रज का और उनके उच्छिष्ट का ही प्रभाव है, जो हम आप सब संतों के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ये गुरुजनों के उच्छिष्ट का ही प्रभाव है। जूठन बहुत बड़ी महिमा है। कितनी बड़ी महिमा हम आपको कहें, चित्त को पूरी तरह निष्काम बनाने का साधन है पूज्य जनों का अधरामृत लेना, उच्छिष्ट लेना। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वाले बाबा सरकार, वे तो भगवत प्रसाद लेने के पहले गुरु जी का प्रसाद लेते थे। सूखा प्रसाद उच्छिष्ट बनाकर उन्होंने रखा था और उसको नित्य प्रति वो लेकर के तब आप भिक्षा ग्रहण करते थे। उड़िया बाबा उनके गुरु जी थे, परम पूज्य स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा उनके शिष्य थे, वो उन्हीं को सदगुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। उनका नित्य चरणामृत लेना, उनकी नित्य चरण रज लेना, उनका नित्य प्रसाद लेना। एक घटना ऐसी है माता जी कि वृंदावन में गिरधारी मंदिर में रासलीला हो रही थी, यहाँ भी रासलीला आज से शुरू होने वाली है, आप सब लोग रासलीला का अवश्य दर्शन करें। वृंदावन से मंडली आई है, बहुत सुंदर रासलीला है। तो महाराज जी गिरधारी मंदिर में लीला हो रही थी और उस लीला दर्शन के लिए उड़िया बाबा जी भी पधारे थे और पंडित जी भी गिरिराज जी से पैदल चलकर वो भी रोज लीला दर्शन करने आते थे, नित्य पैदल आते थे, नित्य पैदल गिरिराज जी जाते थे। एक दिन भंडारा था उत्सव की समाप्ति पर, तो पंडित जी को आज्ञा दी श्री उड़िया बाबा ने, पंडित जी आज यहीं प्रसाद पाकर जाना। तो उन्होंने गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी आप, मेरा तो नियम है कि मैं तो केवल ब्रजवासियों की ही मधुकरी लेता हूँ और मैं भोज भंडारे में भोजन नहीं करता हूँ, ये उन्होंने नहीं कहा। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो फिर अब विचार करने का अवकाश ही कहाँ रहा। जो आज्ञा, ऐसा होता है लोगों में कि बड़े लोग जहाँ बैठकर पाते हैं, छोटे लोग चाहते हैं हमको भी वहीं बैठने को मिले, वहाँ थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। पर पंडित जी में दीनता बहुत थी, पंडित जी का बहुत आदर करते थे उड़िया बाबा, पर वे वहाँ नहीं बैठे, सबसे नीचे जहाँ लोगों के जूते चप्पल उतरे थे उधर ही बैठ गए पंडित जी पाने के लिए। अब पत्तल में तो सामग्री आ गई और पंडित जी पा ही नहीं रहे। उनको दूसरे नियम का स्मरण हो आया कि मेरा तो नियम है कि गुरुजी का अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना, अब इस नियम की रक्षा कैसे हो। और ऊपर मंजिल पे उड़िया बाबा बैठे थे तो बाबा ने कहा पंडित जी कहाँ हैं, तो लोगों ने कहा कि पंडित जी तो नीचे पंगत में बैठे हैं और पंगत तो लोग पाना शुरू कर दिए, वो बैठे चुपचाप ध्यान में बैठे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। उड़िया बाबा तत्काल उठे और उतर के नीचे आए और पंडित जी जहाँ बैठे थे ध्यानस्थ उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और उनकी पत्तल में से 5 ग्रास भोजन किया और भोजन करके कहा अब पंडित जी पाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिना कहे उनके 5 ग्रास भोजन किया कि तुम्हारा नियम पूरा, अब पाओ। स्वांग नहीं रचना चाहिए, इस बात को हम बार बार कहते हैं। आप संत का, गुरु का उच्छिष्ट लेते हैं, चरणामृत लेते हैं और उनमें दोष भी देखते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं,
अथवा उनकी निंदा सुनते हैं और फिर आप जूठा खाते हैं, तो आपको जूठा खाने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले ये बात पक्की कर लो कि गुरु रूप में मनुष्य नहीं है, संत रूप में मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है, ये मानकर आप पाइए तो आपको कितना प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हम बोल नहीं सकते अपनी वाणी से। आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करके देख लें और उसका अनुभव कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।